हाय गाइस, कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज़ में, और मैं हूं हारिस कुरैशी। और सबसे पहले विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी मुबारक हो दोस्तों। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इसी इंडिपेंडेंस स्पेशल शो में मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन अपडेट शाहरुख खान सर से रिलेटेड और तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिलेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात यह बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश में एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी, जिसमें हमारे पुलवामा में CRPF के जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे और अपनी जान गंवा बैठे थे, उनके लिए एक सॉन्ग बनाया जा रहा है, उनका सॉन्ग, उन्हें एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है उस सॉन्ग में। और इस सॉन्ग की एक खास बात यह भी है कि इसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय, ये तमाम चेहरे हमें इस सॉन्ग में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है, और शाहरुख खान के फैंस के लिए बहुत ही बेहतरीन बात यह है कि CRPF के लिए ये गाना बन रहा है और इसमें बॉलीवुड के तमाम चेहरे हैं, लेकिन CRPF ने किसी को थैंक्स नहीं बोला, सिर्फ शाहरुख खान के अलावा। वैसे तो इसमें और भी चेहरे हैं जिनके जिनके नाम आपको बता चुका हूँ, लेकिन CRPF ने अभी तक, आगे की कुछ कह नहीं सकता, अभी तक सिर्फ शाहरुख खान सर को थैंक्स बोला है, उन्हें ही ट्वीट करके थैंक्स बोला है। और एक बार मैं आपको CRPF की ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने ट्वीट करा है, वी थैंक्स SRK फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन ट्रिब्यूट सॉन्ग बाय हैप्पी प्राउड इंडिया टू देश मेरा डेडिकेटेड टू पुलवामा मार्टियर्स। यानी उन्होंने यही कहा है कि हम शुक्रिया करना चाहेंगे शाहरुख खान का कि उन्होंने इस सॉन्ग में कॉन्ट्रीब्यूट दिया है अपना, जो सॉन्ग बनाया गया है पुलवामा में हुए शहीदों के लिए। जैसे कि CRPF के जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, और ये बहुत ही दुखद घटना थी, तो CRPF ने खुद शाहरुख खान को इसके लिए शुक्रिया किया है इस सॉन्ग में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहीं कुछ लोग थे जो शाहरुख खान को बुरा भला कह रहे थे जब ये स्थिति हुई थी, जब CRPF के हमारे जवान शहीद हुए थे, तो लोग बात कह रहे थे कि शाहरुख खान ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उन्हें मौका मिलना चाहिए शाहरुख खान को कहने के लिए। लेकिन अब CRPF ने, वैसे तो शाहरुख खान ने तब भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया था CRPF के फैमिलीज वगैरह के लिए जो जवान शहीद हुए थे, लेकिन अब CRPF ने खुद शाहरुख खान को थैंक्स किया है, तो ये उन छोटे मोटे लोग जो शाहरुख खान को उल्टा सीधा कह रहे थे उनके मुंह पे तमाचा है। और जो लोग आमिर खान को भी बुरा भला कहते हैं, देशद्रोही वगैरह, ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें आमिर खान ने भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस सॉन्ग में। लेकिन शाहरुख खान कितने बड़े स्टार हैं जो CRPF सिर्फ उन्हें ही थैंक्स बोल रही है और किसी स्टार को थैंक्स नहीं बोल रही। और ये एक चीज़ और दिखाता है कि भले ही अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन हो, इन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस सॉन्ग के लिए, और ये भी बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये दिखाता है। लेकिन मैंने स्पेशली शाहरुख और आमिर का नाम इसलिए लिया था क्योंकि तमाम लोग इन दोनों के पीछे ही पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने इन दोनों का नाम पहले स्पेशल लिया था ये। लेकिन जितने भी सॉन्ग में हैं सारे ही देशभक्त हैं और सभी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। गाइस, इस सॉन्ग का टीज़र भी आ गया है और बहुत ही बेहतरीन ये सॉन्ग लग रहा है टीज़र से, और जब ये पूरा गाना आएगा बहुत ही दिलचस्प रहेगा। लेकिन आप अभी ये टीज़र देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पर जाके आप ट्विटर पे जाकर ये टीज़र की वीडियो देख सकते हैं। लगी ये रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें, और अच्छी कमेंट्स करें, पॉजिटिव कमेंट करें, बुरी और नेगेटिव कमेंट से दूर रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।